हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल सी कक्षा 10वीं गणित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भाग 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मॉडल पेपर 3 सैंपल पेपर गणित कक्षा 10वीं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है बहुपद x²-9 का एक गुणनखंड है। ऑप्शन ए है x+9, ऑप्शन बी है x-9, ऑप्शन सी है x+3, ऑप्शन डी है x-1। इस सवाल को देख लेते हैं सॉल्व करके कैसे सॉल्व होगा। तो ये जो है x²-9 है, इसको x²-3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में 1 फिर a माइनस बी। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वही करेक्ट आंसर होगा। तो x+3 दिया हुआ है तो x+3 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ऑप्शन ए x+0, ऑप्शन बी 0, 0, ऑप्शन सी 0 एंड y, ऑप्शन डी x एंड y। तो ये जो है हमारे दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ जहाँ पे मिलते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक जो है 0, 0 होते हैं। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3, 2 sin θ = √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसमें से जो है देख लेते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका जो है सी आंसर सही होगा, 60 डिग्री। ये जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 sin θ = √3। ये 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये जो है sin θ = √3/2 हो जाएगा, और जो साइन थीटा जो है इक्वल हो जाएगा, ये जो है साइन में कौन सी फिगर की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, और जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो थीटा √60 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में डी पैरेलल बीसी का बेसी अपॉन एसी का मान कितना हो। ये जो है AE जो है DE जो है ये लाइन पैरेलल है BC के, तब जो है ये AE अपॉन EC की वैल्यू कितनी हो। तो इसमें जो है ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 8। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 2। तो इसको चेक कर लेते हैं कैसे निकालते हैं। ये जो ये वाली साइड का रेशो होता है वो इक्वल होता है ये वाले साइड के रेशो के, यानी कि AD/DB = हो जाएगा AE/EC। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, AD की वैल्यू 6 है और DB की वैल्यू 3 है, AE/EC। तो 3 1 3, 3 2 6, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होता है। फिफ्थ में √3+1 और √3-1 का समांतर मान्य होगा। तो इसका जो है ऑप्शन दिया है 2√3, 2√3, √2, 2√3-1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा, √3। समांतर माध्य जो है ऐसे निकालेंगे √3+1+√3-1/2। तो ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2√3/2, 2 विल गेट कैंसिल, तो ये बचेगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की गिनती कीजिए। श्रेणी 1, 3, 5, 7 का नौवां पद होगा। तो इसका जो नौवां पद होगा को निकाल लेंगे, श्रेणी का फॉर्मूला होता है पद निकालने का वो होता है EN = A+N-1 × D। तो इस श्रेणी में A जो है पहला पद का मान होता है, तो पहला पद जो है 1 है, तो 1+N हमें निकालना है नौवां पद, तो N की वैल्यू हो जाएगी 9-1। D जो है इनका
डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है 2, तो पुट कर देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 1 प्लस 9 माइनस 1 इज 8, 8 मीनिंग 16 और 16 और 1 जो है 17, सो इन दिस आंसर विल बी 17. क्वेश्चन नंबर 2, देखा y इज इक्वल टू 7x माइनस 5 की प्रवणता ढाल बराबर है, तो इसकी ढाल हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी 7 के बराबर. नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एक वर्ष में तिमाही संख्या डैश होगी, तो एक वर्ष में कितने तिमाही संख्या होगी, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उस 12 महीनों को हमें डिवाइड करना है 3-3 महीनों, तो जो है डिवाइड कर देंगे तो 3 × 3 = 3, 4 × 12, तो 4 बार तिमाही, तो इसका आंसर जो है 4 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा, तो इसका मान जो होता है वो होता है कोट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले में हम पढ़ चुके हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सामने कोणों का योग होता है 180 डिग्री, चक्रीय चतुर्भुज बोलने से होता है ऐसा साइक्लिक चतुर्भुज, और इसके सम्मुख कोण बोलने से ये और ये वाले कोण, इन दोनों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री. सत्य असत्य लिखिए, पहला द्विघात समीकरण ax2 + bx + c = 0 में a≠0 होता है, तो ये जो है ट्रू है. यदि ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो सावधि जमा खाते में समय को दुगना लिया जाता है, तो ये भी जो है सही है. 3 tan 2 tan 75 degree / 4 15 degree का मान 1 होगा, तो ये जो है असत्य है. वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, कोट, ये भी सत्य है. समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ये भी सत्य है. प्रश्न 2, यदि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए. इसका हल दिया है साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 - 3, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, तो इसमें जो है हम कॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन 90 - b फॉर्मूले से, और इधर जो है ये साइन ए, हमें दोनों तरफ साइन लाना है ताकि ये कैंसिल हो सके, तो दोनों तरफ साइन आ गया है, इसका मतलब इनके जो थीटास हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये ए इक्वल हो जाएगा 90 - b के, और ये b को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा a + b = 90 degree, और ये जो है आंसर. बिंदु 5 and 8 and 5 - 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे x1 y1 जो है 5 एंड 8 है, x2 y2 जो है 5 - 3 है, और दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर. वैल्यू पुट कर देते हैं तो x2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 5 - x1 की वैल्यू है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू है -3 - y1 की वैल्यू है 8. अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये तो फर्स्ट वाला तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 - 8 कितना हो जाएगा -11 का स्क्वायर, -11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, और इसमें 0 ऐड करेंगे तो भी 121 ही आएगा, यानी कि √121 हो जाएगा, और 121 फिर सॉल्व करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि दूरी जो है 11 1/2. प्रश्न 4, यदि 14:35 16:x हो तो x का मान क्या करें, इसका हल है 14:35 और ये 16:x, इसको हम लिख सकते हैं 14/9
35 = 16/x. अब हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस x को इधर भेज देंगे और 35 को इधर, तो x इधर चले जाएगा और इधर हो जाएगा 16 × 35. ए 14 को भी हम इधर ही ला लेंगे, तो 14 आ जाएगा फॉर्मूले = 2. अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 = 14, 2 8 = 16, 7 1 = 7, 7 5 = 35, 8 5 = 40, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, शेषफल प्रमेय से px = 2x² - 3x + 6 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए. यहाँ पे जो है px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है, इसलिए px को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल p2 प्राप्त होगा. तो शेषफल का फॉर्मूला जो है 2² - 3² + 6 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 × 4 - 3 × 2 + 6 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 ही बचेगा, ये आंसर. प्रश्न 6, आंकड़े 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए. तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें ऊपर सबका जोड़ कर देंगे, 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, और कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 नीचे डिवाइड में लिख देंगे, जोड़ने पर 96 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा, कटेंगे डिवाइड को 12 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए. 45, 41, 43, 38, 40, 42, 44, 47. हल आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखने पर 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47. यहाँ n = 8 है जो कि सम है, तो हम माध्यिका का फॉर्मूला ये लगाते हैं. जब n जो है सम होता है या विषम होता है, उस पर डिपेंड करता है कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा. यहाँ पे माध्यिका सम है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ब्रैकेट में n बाय 2 वां पद प्लस n बाय 2 प्लस 1 वां पद. तो n बाय 2 वां पद जो है हमारा क्या दिया हुआ है, n, हमारा n जो है 8 है, तो हम यहाँ पे 8 रखेंगे, यानी कि 8 बाय 2 वां पद और इधर 8 बाय 2 प्लस 1 वां पद. तो 8 बाय 2 को सॉल्व करेंगे तो 4 का पद आएगा, और इसको 2 4 = 8 और 4 + 2 = 2, 2 + 4 = 8, 4 + 1 ये 5वां पद. तो इसमें हम देख लेंगे चौथा और पांचवां पद कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये है और पांचवा ये, तो 42 और 43 हम यहाँ पुट कर देंगे. जब इसको सॉल्व करेंगे तो 85/2 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो 42/5 आ जाएगा, 42.5 आ जाएगा, यही आंसर है. प्रश्न 8, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए. क्या है गोले का आयतन 4/3 πr³ तथा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² प्रश्नानुसार आयतन जो है बराबर होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, ये ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, आयतन जो है पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, तो 4/3 πr³ = 4/πr² रख दिया. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये r² से r³ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इधर आ बचेगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1/3 r = 1. तो यहाँ पे r ऐसे ही रह जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो r = 2 आ जाएगा 3 से. प्रश्न 9, समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का n वां पद याद कीजिए. यहाँ पर जो है इस श्रेणी का प्रथम पद जो है 1/9 है, समांतर निकाल लेते हैं, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो 4/9 - 1/9 करने पर 3/9 जो फर्स्ट पद ही आ जाएगा. n वां पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है 1/9 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू n ही रखनी है हमें क्वेश्चन में, क्योंकि n वां पद निकालना है,
माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है 3/9 इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/9 प्लस 3/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n/9 माइनस 3/9 हो जाएगा। ये दोनों नंबर को सॉल्व कर देते हैं एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा और इधर 1 माइनस भी हो जाएगा प्लस 3n/9 ऐसे ही रहेगा तो ये जो है माइनस 2/9 हो जाएगा प्लस 3n/9 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3n-2/9 तो एनवा 3n-2/9 है यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 10 वर्ग समीकरण 6x² + x - 2 = 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। तो समीकरण 6x² + x - 2 को तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमें a की वैल्यू 6 मिल जाएगी, b की वैल्यू 1 मिल जाएगी, c की वैल्यू -2 मिल जाएगी। तो a 6 b 1 c -2 सूत्र जो होता है ये होता है x = -b + √b² - 4ac / 2a। इसी में हमें वैल्यू पुट करके जो है आंसर लेना है। माइनस b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू है 6 × c की वैल्यू है -2 तो ये -2 अपॉन में 2 × a की वैल्यू है 6 इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 6 24 48 और ये माइनस माइनस प्लस ठीक है प्लस 48 हो जाएगा और अपॉन में 2 6 12 हो जाएगा। तो ये जो है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 48 49 हो जाएगा अपॉन में 12 = -1 + -49 जो है 7 हो जाएगा अपॉन में 12। तो ये जो है इतना आंसर आ गया x का। अब इसको और सॉल्व करेंगे हमें दो वैल्यू निकालनी है एक बार प्लस लेकर के और एक बार माइनस लेकर के। तो x = -1 + 7/12 फिर -1 + 7 करेंगे तो 6/12 आ जाएगा और इसको 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12 तो ये 1/2 आ जाएगा। इधर माइनस साइन लेंगे तो -1 - 7/12 हो जाएगा -8 हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। 4 के टेबल से काट लेंगे तो 4 × 2 = 8 4 × 3 = 12 तो -2/3 किया जाएगा तो x की वैल्यू जो है 1/2 एंड -2/3 आएगी। अगला प्रश्न है निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वर्गांतर दिया 0 to 10 इसकी आवृत्ति है 9, 10 to 20 इसकी आवृत्ति है 17, 20 to 30 इसकी आवृत्ति 28, 30 to 40 इसकी आवृत्ति 23, 40 to 50 इसकी आवृत्ति 17, 50 to 60 इसकी आवृत्ति है 8। तो तालिका से स्पष्ट है कि बहुलक वर्ग 20-30 वाला होगा। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है 28 की, तो बहुलक वर्ग जो है ये वाली लाइन। तो बहुलक वर्ग की जो वर्गांतर बहुलक वर्ग का जो वर्गांतर है वो है 20 to 30 ये वाला। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसकी निम्न सीमा मतलब ये होती है L 20 है और बहुलक वर्ग की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी 20 है। ये जो है फ्रीक्वेंसी है इसको F1 कंसीडर कर। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति F0, इसके ठीक पहले की आवृत्ति ये है इसको F0 कंसीडर करेंगे और उसके ठीक बाद की आवृत्ति यानी कि इसके ठीक बाद की आवृत्ति ये इसको F2 कंसीडर करेंगे। वर्ग माप जो है H, ये जो है H जो है इसे निकालते हैं 30 - 20 का, तो 30 - 20 करेंगे तो उससे वर्ग की माप निकल जाएगी वो है 10। ये जो है H की वैल्यू है तो हमें सारी वैल्यू मिल गई है। अब बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे L की वैल्यू है 20, F1 की वैल्यू है 28 माइनस F0 की वैल्यू है 17 / 2 ×
एफ वन की वैल्यू है 28 माइनस एफ जीरो की वैल्यू है 17 माइनस एफ टू की वैल्यू है 23 ब्रैकेट क्लोज इनटू एच की वैल्यू है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे 20 ब्रैकेट 28 माइनस 17 11 आ जाएगा, 2 इंटू 28 56 आ जाएगा माइनस, इन दोनों को माइनस 17 माइनस 23 कर देंगे तो 3 7 10 कैरी 1 2 3 4 आ जाएगा और बाहर में मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो ये है 20 ब्रैकेट में 11 अपॉन 56 माइनस 40 करेंगे तो 16 आ जाएगा और इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसको यहाँ पे प्लस का साइन शो किया। प्लस इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 सा 16, 2 5 सा 10, तो 11 5 सा 55 अपॉन 8 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 2 सा 16, 1 16 प्लस 55 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो 5 एंड 6 5 20 अपॉन 8 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 26.87। किधर से भी करो आपसे सेम है, चाहे ऐसे करो पहले इसको डिवाइड कर दो चाहे बाद में डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिका में 35 शहरों की साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर प्रतिशत में ये आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का माध्य याद कीजिए। तो साक्षरता दर और शहरों की संख्या दी गई है, 45 to 55 में 3 है शहर, 55 to 65 में 10 शहर है, 65 to 75 में 11 शहर है, 75 to 85 में 8 शहर है, 85 to 95 में 3 शहर है। इसमें वर्ग है 45 to 55, इसके बाद वार्ता 3। इसी टेबल को पूरा यहाँ दोबारा बना लिया है, उसके बाद मध्य मान निकाले हैं। मध्य मान कैसे निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो नंबर है उसको मध्य मान बोलते हैं। तो 45 to 55 का जो मिडिल टर्म होगा 50 होगा, इन दोनों का जो मिडिल टर्म होगा 60, इन दोनों का मिडिल टर्म 70, इन दोनों का मिडिल टर्म 80, इन दोनों का मिडिल टर्म 90। अब f इंटू एक्स निकाल लेते हैं, ये f है और ये x है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो 3 into 50 150, 10 into 60 600, 11 into 70 77, 0, 8 into 80 64 0, 3 into 90 27 0। सो हियर ये समेशन आपको ऐड कर देंगे, इन सबका समेशन कर देंगे तो आएगा 35, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इन सबका भी समेशन कर देंगे तो आएगा 2430। तो माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू, पहले पुट कर देंगे 2430 अपॉन 35 डिवाइड कर देंगे तो 69.43% आंसर आ जाएगा। प्रश्न 12, सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, जार का व्यास ज्ञात कीजिए, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर दिया है, जार की ऊंचाई h बराबर 35 सेंटीमीटर, जार का आयतन 11 लीटर, पाई आर स्क्वायर h 11 × 1000 22/7 गुणा आर स्क्वायर गुणा 35 इक्वल टू 11000, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 11000 अपॉन 22 गुणा 5 इक्वल टू 100 इक्वल टू 10 स्क्वायर, आर स्क्वायर टू जो है 10 आ जाएगा, जब कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आंसर आ जाएगा 10। तो व्यास का फॉर्मूला होता है 2 × r, तो 2 × r के लिए पुट कर देंगे तो 10 आ जाएगा, आंसर जो है 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन ज्ञात कीजिए, दिया है व्यास जो है 2r के बराबर होता है, व्यास वो दिया है 12 सेंटीमीटर तो उससे हम r निकाल देंगे, इसका हाफ करके यानी कि 6 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ जाएगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr2, इसमें r की वैल्यू पुट कर देंगे 4 × π × r की वैल्यू 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 × π × 4, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 6 36 4 6 24 कैरी 2 4 3 12 2 40
स्मॉल इधर पाई, इसको ऐसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही लिखे छोड़ दिया, इसको पाई को ओपन नहीं किया है क्योंकि पाई में 7 से कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए उसको ओपन नहीं किया। अभी इसको खोलेगा इतना जो 4 बाय 3 पाई आर क्यूब होता है, इसमें आर की वैल्यू पुट कर देंगे 6 क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 6 को जो है खोल देंगे 6 × 6 × 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई इसको 3 × 1 = 3 कर देंगे, 3 × 2 = 6 कर देंगे, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना, 6 × 6 = 36 करेंगे 2 × 4 करेंगे, तो ये जो है 288 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा, यही जो है आंसर। नेक्स्ट, एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, लैंप पोस्ट पर 3.6 मीटर ऊंचाई पर लगे बल्ब से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है 4 सेकंड बाद, उस लड़की की परछाई की लंबाई क्या थी? माना लैंप पोस्ट बल्ब की ऊंचाई ए बी तथा लड़की की ऊंचाई सी डी है, चित्र में आप देख सकते हैं कि लड़की की परछाई बी डी है। यहाँ पे जो है ए बी जो है लैंप पोस्ट है, यहाँ पे लड़की खड़ी है, तो ये लैंप पोस्ट की जो लंबाई है वो है 3.6 मीटर और ये जो लड़की है यहाँ पर खड़ी है इसकी ऊंचाई 3 भी है अभी, और यहाँ बी भी है, और ये डी ई जो है एक्स मीटर हमने मान लिया है, डी ई जो है एक्स मीटर माना। अब चूंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ये फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, चार बराबर दूरी बटे समय वाले फॉर्मूले से हम दूरी का फॉर्मूला निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा, चार गुना समय आ जाएगा, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करना। तो यहाँ पे बी डी जो है, ये बी डी ये 1.2 × 4 = 4.8 मीटर, तो ये 1.2 मीटर डी हुई है, ऊंचाई पर लगे बल्ब से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है, तो 1.2 मीटर की जो है इसकी चाल थी, और कितनी दूर चली गई 4 सेकंड, मतलब कितना टाइम 4 सेकंड, तो 4 सेकंड हमने यहाँ पुट कर दिया इसी फॉर्मूले में, तो ये जो है यहाँ पे लिख देते हैं चाल जो है 1.2 थी और समय जो है कितना 4 सेकंड का, तो ये जो है 4 × 4 = 4.8 जो है मीटर दूरी आ गई। इतनी दूरी कौन सी दूरी आ गई, जब वो यहाँ से यहाँ चली गई, डी ई दूरी की आ गई, ये वाली दूरी इतनी आ गई, हमने कैलकुलेट कर ली 4.8 आ गई। अब इस ट्रायंगल ए बी ई में देखते हैं, ट्रायंगल ए बी ई इस ट्रायंगल में देखते हैं, और ट्रायंगल सी डी ई में देखते हैं, ट्रायंगल और ट्रायंगल सी डी ई में देखते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल डी, ये वाला जो एंगल पी है ये इक्वल है एंगल डी है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, लैंप पोस्ट और लड़की भूमि से ऊपर था, दोनों जो है 90 डिग्री के एंगल है। अब जो है एंगल ई और एंगल ई उभयनिष्ठ कोण है, ये जो एंगल ई है इस वाले ट्रायंगल में भी है और एंगल ई इस वाले ट्रायंगल में भी, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है, और जो ट्रायंगल जो है ए बी ई जो है समरूप हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ई के, यानी कि ए बी ई ट्रायंगल समरूप हो गया सी डी ई के, और जब समरूप हो जाते हैं तो समरूपता वाले नियम से जो रेशो होते हैं साइड्स के वो इक्वल हो जाते हैं, तो BE अपॉन DE BE अपॉन DE, ठीक है, आराम से बताना, BE अपॉन DE बराबर हो जाएगा AB अपॉन CD के, AB अपॉन CD, तो इसको रख दिया हमने। BE को हम क्या लिख सकते हैं, BE को हम लिख सकते हैं BD प्लस DE, तो हमने लिखा है BD प्लस DE अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, ऐसे ही लिखा रहने के। अब अगले पेज में देखते हैं इसका सॉल्यूशन वैल्यू पुट कर देंगे, 4.8 + x / x 3.6 / 0.9, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है तो हमने उसे कन्वर्ट कर लिया, तो 4.8 + x = 4x हो जाएगा,
और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x को इधर ले आएंगे तो ये 3x हो जाएगा और 4.8 इसी साइड रह जाएगा. सो x इज इक्वल टू ये 3 डिवाइड में चला जाएगा. सो 3x इज इक्वल टू 4.8, x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3, 3 वन दा 3, 3 वन दा 3 एंड 3 6, तो 1.6 मीटर आंसर आ जाएगा. तो 60 से निकालने के बाद लड़की की परछाई की लंबाई 1.6 मीटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्धि की देख की बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है. ज्ञात है कि AP और AQ बाहर बिंदु A से केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा खंड है. सिद्ध करना है कि AP इक्वल टू AQ. रचना, केंद्र O से AP और Q को मिलाया. केंद्र O से AP और Q को मिलाया गया है. अब इसकी उत्पत्ति लिखते हैं. तो ट्रायंगल ओ पी ए में, ट्रायंगल ओ पी ए में, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, और ट्रायंगल ओ क्यू ए में, और ट्रायंगल ओ क्यू ए में, इन दोनों में देखेंगे. पहला ओ पी और ओ क्यू, ये जो है ओ पी और ओ क्यू, ये दोनों ही वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर हो जाएगा. ओ ए बराबर ओ ए, ओ ए इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और ओ ए इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, तो ये जो है उभयनिष्ठ हो जाए हैं. एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है. ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं तो ये जो है यहाँ पर लंबवत होती है, तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल समांग समत हो जाएंगे. समकोण कर्ण भुजा समांग समत है. अब इसमें AP इज इक्वल टू AQ हो जाएगा, इसीलिए मतलब ये वाली लाइन जो है इक्वल हो जाएगी ये वाली लाइन के. तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, ये सिद्ध हो गया. प्रश्न 14, मूलधन 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न साधारण सारणी प्रदर्शित है. समय वर्ष में साधारण ब्याज प्रतियों में 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर साधारण ब्याज 0, 15, 30, 45, 60, 75. इसको जो है क्या करना है, समय और साधारण ब्याज के बीच आलेख कीजिए. तो एक तरफ हमने समय रखा और दूसरी तरफ हमने साधारण ब्याज रखा है. इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिया और इधर 15 का पहाड़ा लिख दिया है. 15, 30, 45, 60, 75, 90. एक्स अक्ष पर हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वर्ष लिया. वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 15 रुपए लिए. अब यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा 0, 0 है, दोनों तरफ 0, 0, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. फिर एक तरफ हमें समय वाले में 1 देना है, तो समय वाले में 1 और साधारण ब्याज वाले में 15, साधारण ब्याज वाले में 15, तो ये दोनों जो है पॉइंट यहाँ पे आके मिलेगा. दूसरा पॉइंट 2 लेना है और इधर 30 लेना है, तो ये रहा 2 और इधर से 30, तो ये जो है यहाँ पे आके मिलेगा. तीसरे वाले में लेना है 3 और इधर से 4.5, ये यहाँ आके मिलेगा. और चौथे वाले में 4 और इधर से 60, तो ये वाला यहाँ आके मिलेगा. और इस तरह से जो है सीधी रेखा खींच जाएगी हम जब सारे बिंदुओं को मिलाएंगे और ये जो है आपका ग्राफ बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि PA बराबर PB हो, यदि PA बराबर PB हो तथा बिंदु A B के निर्देशांक क्रमशः 2, 0 और -2, 4 हो तो P Y अक्ष पर स्थित हो, तब P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए. दिया है A जो है 2, 0, B जो है -2, 4, P A is equal to PB. दिया है Y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, X निर्देशांक 0 होता है, तो P जो है 0 एंड Y हो गया. PA में फॉर्मूला लगा देंगे x2 - x1² + y2 - y1² और ये अंडर वैल्यू पुट कर देंगे. x2 की वैल्यू जो है 2 है और x1 की वैल्यू जो है 0 है. यहाँ पे ये जो है x1 और y1 है, ये जो है x2 और तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 और x1 की वैल्यू 0. y2 की वैल्यू कितनी हो गई 0 और y1 की वैल्यू कितनी हो गई 5. तो ये हो गया 2 - 0 का होल स्क्वायर 0 - y का होल स्क्वायर.
सॉल्व कर देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा, ये आगे सॉल्व नहीं होगा और जरूर ऐसे ही रहेगा। अब पी वी निकाल लेते हैं। पी वी निकालने के लिए फिर से क्या हो जाएगा, ये जो है अभी ये तो पहले वाले के लिए एक्स टू वाई टू थे, अब ये नहीं रहेंगे एक्स टू वाई टू, अब ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू, क्योंकि हम पी और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट ये है और बी के कोऑर्डिनेट ये है। फिर निकाल लेते हैं फॉर्मूला से एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। एक्स टू वैल्यू कितनी है, माइनस टू एंड जीरो, यानी कि माइनस टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई टू कितना है, फोर एंड वाई वन है वाई, यानी कि फोर माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस टू का होल स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा प्लस फोर माइनस वाई का होल स्क्वायर और अंडर रूट ऐसे ही लगा रहेगा, इसको और सॉल्व नहीं करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि पी ए बराबर है पी बी के, तो दोनों को रख लेंगे, पी ए बराबर पी बी रख लेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि अंडर रूट लगा है दोनों तरफ, तो इधर भी स्क्वायरिंग हो गई और इधर भी स्क्वायरिंग कर दी गई, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर बचेगा फोर प्लस वाई स्क्वायर और इधर फोर प्लस फोर माइनस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर्स को एक तरफ और वाई को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये फोर जो है इधर भी फोर है और इधर भी फोर है, तो फोर फोर कैंसिल हो जाएंगे, फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ स्क्वायर बच गया तो स्क्वायर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वाई इज इक्वल टू फोर माइनस वाई बच गया, तो ये वाई को जब इधर ले जाएंगे तो ये वाई प्लस वाई हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा टू वाई इज इक्वल टू फोर और ये वाई इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड टू, टू वन सा टू, टू टू सा फोर, वाई इज इक्वल टू टू आ गया। इधर से भी निकालो चाहे इधर से निकालो, दोनों तरफ से सेम ही आंसर आएगा, वाई इज इक्वल टू टू जो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 15, ट्रायंगल एबीसी के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए जब बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 45, एंगल सी इज इक्वल टू 30 है। ट्रायंगल एबीसी के अंतर्वृत्त की रचना करना है जिसमें बी सी 7 है, एंगल बी 45, एंगल सी 30 है। रचना के चरण, पहला चरण जो है ट्रायंगल एबीसी की रचना किया जिसमें बी सी बराबर 7, एंगल बी 45, एंगल सी 30 डिग्री है। दूसरा है एंगल एबीसी तथा एंगल एसीबी के कोण अर्धक कीजिए जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसमें देखो पहले स्टेप में क्या किया है कि ट्रायंगल एबीसी की रचना कर ली है जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर लाइन खींची है, एंगल बी बनाया है 45 डिग्री का और एंगल सी बनाया है 30 डिग्री का। इसमें इसमें B पर जो है एंगल 45 बनाया है हमने नेक्स्ट स्टेप में और एंगल C पर हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये जो है 45 डिग्री के एंगल वाली लाइन है और ये जो है 30 डिग्री के एंगल वाली लाइन है। यहाँ से हमने जो है अभी हमें सेंटर नहीं मिला है जहां से हमें सर्कल खींचना है, तो हमें वो सेंटर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद इसका जो है इस एंगल का कोणार्धक खींचेंगे। कोणार्धक खींचने के लिए हम जो राउंडर होता है उसके नोक को यहाँ पे रख के थोड़ा सा फोल के यहाँ पे कट लगाएंगे एक, और फिर यहाँ पे भी उस सेम लेंथ को यहाँ पे रख के यहाँ पे एक कट लगाएंगे, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिसे कोणार्धक बोलते हैं और उस लाइन को भी हम ड्रॉ करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे कि हम राउंडर को यहाँ पे रख के यहाँ पे एक कट लगाएंगे, यहाँ पे रख के यहाँ पे एक कट लगाएंगे, जहाँ पॉइंट को मिलेंगे वहां पे हम सी से सीधी लाइन खींच देंगे, वो एक कोणार्धक होगा। ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो पॉइंट ओ होगा, ये लिखा है यहाँ पे, तो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ से बी सी पर लंब डालते हैं,
बिंदु ओ से हमने लंब डाल दिया है बीसी पर ये, और बिंदु ओ को केंद्र तथा ओ एम को त्रिज्या लेकर वृत्त बनाएंगे। अब यहाँ ओ एम को जो है त्रिज्या ले लिया मतलब राउंडर का नोक को यहाँ रखा और पेंसिल को यहाँ तक खींचे और उसके बाद हमने यहाँ से जो है वृत्त को खींचा तो ये वृत्त जो है सारी तीनों लाइनों को टच करते हुए खींचाएगा और बनाया भुजा ए बी बी सी और सी ए को स्पर्श करती है। ऐसे ये वृत्त जो है बनेगा ये पूरे तीनों लाइन को स्पर्श करता है। तो वृत्त सी ओ ओ एम ट्रायंगल ए बी सी का अभिष्ट अंत वृत्त है और ये जो वृत्त जो है अंत वृत्त होगा। अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है। हल रचना त्रिभुज ए बी सी की परिवृत्त की रचना करना है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो। रचना के चरण पहला है त्रिभुज ए बी सी की रचना करेंगे जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो हमने पहले ये बी सी लाइन खींची 6 सेंटीमीटर की, फिर राउंडर में ये जो हमारा राउंडर होता है इसमें हमने 6 सेंटीमीटर नाप लिया और उसकी एक नोक को यहाँ रखा और पेंसिल से कट लगाएंगे तो यहाँ मिलेगा कट, फिर यहाँ पे नोक को रखा फिर कट लगाया 6 सेंटीमीटर नाप के ही तो यहाँ पे कट लगेगा तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट ए होगा और तीनों साइड जो है 6-6 सेंटीमीटर के। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है भुजा ए बी और ए सी के लंब स्वयं विभाजक की एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें इस ए सी और ए बी के लंब समद्विभाजक खींचना है तो हम कैसे करेंगे लंब समद्विभाजक खींचने के लिए राउंडर को यहाँ पे रखेंगे नोक को और उस राउंडर में आधे से ज्यादा डिस्टेंस तक कवर कर लेंगे मतलब आधे से ज्यादा नाप लेंगे कि इस लाइन के आधे से ज्यादा हो और फिर उस राउंडर की नोक को यहाँ पे रख के और पेंसिल को इधर करके एक कट लगाएंगे और इधर करके एक कट लगाएंगे फिर सेम डिस्टेंस मेजर किए किए राउंडर की नोक को यहाँ रखेंगे और एक बार यहाँ से इधर कट लगाएंगे और एक बार इधर कट लगाएंगे तो ये दोनों पॉइंट को जब मिला देंगे तो ये जो दोनों पॉइंट मिल जाएंगे ये दोनों लंब समद्विभाजक होंगे इस एसी के। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेंगे राउंडर में आधे से ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और राउंडर की नोक को यहाँ रखे एक बार इधर कट लगाएंगे एक बार इधर कट लगाएंगे फिर इधर भी रख के सेम डिस्टेंस पे इधर भी कट लगाएंगे इधर भी कट लगाएंगे दोनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे और दोनों पॉइंट को मिला लेंगे ये जो है ए बी का समविभाजक होगा। अब ये जो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो पॉइंट ए है, बिंदु ओ को ए से मिलाएं, बिंदु ओ को ए से मिलाएं और ये बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ ए के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जाए जो शीर्ष ए बी सी से होकर जाता है। अब इस ओ पे राउंडर की नोक रखेंगे और यहाँ तक त्रिज्या नापेंगे और फिर जो है सर्कल खींचेंगे और ये सर्कल जो है तीनों पॉइंट ए बी सी को टच करते हुए जाएगा और ये जो है यही वृत्त जो है परिवृत्त कहलाएगा और इसकी रचना हो जाएगी। रचित वृत्त ओ ओ ए ट्रायंगल ए बी सी का अभिष्ट परिवृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 16 कबीर ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। दिया है पी बराबर 150 रुपए एन जो है 2 × 12 बराबर 24 माह आर इक्वल टू 5% पी ब्याज इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 × 1/12 यहाँ पे एन एन प्लस 1/2 पी जो है 150 है आर जो है 5 है अपॉन में 100 है इंटू 1/12 इधर एन जो है 24 है इधर 24 प्लस 1 अपॉन 2 वैल्यू पुट कर दिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है 5 के टेबल्स कैंसिल हो जाएगा 5 × 5 और जो 0 0 पहले कैंसिल कर लेते 5 × 5 5 × 2 = 10 तो पी तो 2 से कुछ कैंसिल नहीं होगा और वही कुछ कैंसिल नहीं हो रहा फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 15 upon 2 × 1/12 ब्रैकेट में 24 × 24 + 1 = 25 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा 2 × 2 2 × 12 = 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये जो है 15 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 25 upon 2 चाहे तो पहले इसको डिवाइड कर दो 7.5 × 25 कर दो 7.5 × 25 किया तो 187.5 रुपया आया है कोई से भी सही करो इतना ही आएगा इसको भी सॉल्व कर लो तो 187.5 रुपीज ही आएगा।
दो वर्ष बाद प्राप्त राशि जो है किस्त की राशि गुणा किस्तों की संख्या प्लस ब्याज हो जाएगा, तो 150 गुणा 24 प्लस 187.5, तो ये जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 प्लस 187.5 ये जो है 3787.5 रुपये का जाएगा, यही जो है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने बैंक में सावधि जमा के लिए 50,000 रुपए 6 माह के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है, यदि ब्याज तिमाही से योजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात उस व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ मूलधन भी इज बोल्ट 50,000 रुपए है, समय एन इज बोल्ट 6 मार्टू 2 तिमाही है, दर आर इज बोल्ट 16% और 4% प्रति तिमाही है, मिश्रित धन ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 टू दी पावर एन है, पी की वैल्यू 50,000 है, 1 ऐसे कैसे ही आर जो है 4 दिया हुआ है तो 4/100 और ये ब्रैकेट में स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे इसको, 4 1 4 और इधर 25 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में कितना आ जाएगा 25 और इधर 25 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर 50,000 ऐसे ही लिखा रहेगा, इक्वल टू 50,000 इज इंटू 25/26 स्क्वायर को खोलेंगे, यहाँ पे 25 और 25 से यहाँ पे जीरो को कैंसिल कर लेंगे, तो इसमें से 100 को अलग कर लेती हूँ, 50,000 की जगह मैं लिख सकती हूँ 5 × 100 × 100 50,000 को मैं समझ, 25 × 25 × 100 तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×20 × 20 × 80 × 26 × 26 तो जब सॉल्व कर लेंगे तो इतना ही आएगा 54080 रुपीज 54080 रुपीज तो उस व्यक्ति को 6 माह बाद 54080 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। प्रश्न 7, समीकरण को हल कीजिए, cos थीटा / cos थीटा +1 + cos थीटा / cos थीटा -1 = 2, ये जो है समीकरण दी है cos थीटा / cos थीटा +1 + cos थीटा / cos थीटा -1 = 2, यहाँ पे हमने cos थीटा दोनों जगह दिख रहा है, cos थीटा को कॉमन लेके बाहर कर दिया, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1/cos θ + 1/cos θ - 1, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी cos θ + 1 × cos θ - 1, cos θ - 1 इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे cos θ - 1 cos θ + 1 मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा, इधर आगे cos θ + 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके 2 cosec θ हो जाएगा और अपॉन में cosec²θ - 1 हो जाएगा, क्योंकि ये है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा जो होता है a²-b² यानी कि cosec²θ - 1² हो जाएगा, इधर cosec ऐसे = 2 ऐसे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, cosec θ अपॉन ये जो है फॉर्मूला होता है cosec²θ - 1 इक्वल होता है cot²θ के, इतना सॉल्व हो जाएगा = 2 आ जाएगा। अब जो है cot θ का फॉर्मूला होता है cot θ cos θ cos θ sin θ, हमने cot²θ को लिख दिया, cot²θ को हमने लिख दिया cos²θ sin²θ, यानी कि और इस cosθ को लिख दिया हमने 1/sin θ, इसके बाद से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, cosθ को लिख दिया गया है 2 × 1/sin θ और cot²θ को लिख दिया गया है cos²θ/sin²θ, इसको जब ठीक करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos θ × 2/sin θ × ये जो sin²θ है ये ऊपर चला जाएगा sin²θ/cos²θ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे अब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये sin²θ से sin θ कैंसिल हो जाएगा, cos²θ से cos θ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 sin θ /
cos theta. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा इज इक्वल टू टू चल रहा था इज इक्वल टू टू अभी तो ये जो है टू टू कैंसिल हो जाएगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू वन आ जाएगा और टेन थीटा इज इक्वल टू वन जो है टेन 45 में की वैल्यू होती है इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 45 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन यदि cos theta minus sin theta is equal to under root 2 sin theta तो सिद्ध कीजिए कि cos theta plus sin theta is equal to under root 2 cos theta. cos theta minus sin theta से हम इसको लेकर के जो है शुरू करते हैं ये जो हमें दिया गया है cos theta minus sin theta is equal to under root 2 sin theta. cos theta is minus sin theta को उधर ले जाएंगे तो plus sin theta हो जाएगा तो sin theta plus sin theta हो गया. cos theta इन दोनों को हम ऐसा लिख साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट टू प्लस वन ब्रैकेट में बच जाएगा. ये कॉस थीटा इसके इसको डिवाइड में ले जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन टू प्लस वन और साइन थीटा ऐसे ही रहेगा. अब इसका जो है हर का परिमेयकरण कर देंगे तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये जो है अंडर रूट टू प्लस वन है तो अंडर रूट टू माइनस वन अंडर रूट टू माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो हर का परिमेयकरण हो जाएगा और इक्वल टू साइन थीटा ऐसे ही रहेगा. फिर अगले स्टेप में कॉस थीटा अंडर रूट टू माइनस वन ऐसे ही रहेगा और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा ये जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो नीचे हो जाएगा अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और इधर कॉस थीटा अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन में टू अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा टू और माइनस वन टू माइनस वन करेंगे तो वन आ जाएगा इक्वल टू साइन थीटा है और इधर अब कॉस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट टू कॉस थीटा हो जाएगा फिर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा. और इसको जब कॉस थीटा को इधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा हो जाएगा और ये सिद्ध हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ए रेशो बी जो है समानुपात हो से सी रेशो डी के तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कौन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए अपॉन बी डी के. हमारा ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू के है तब ए इज इक्वल टू बी के हो जाएगा और सी इक्वल टू डी के हो जाएगा. अब इस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया हमने ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसमें वैल्यू पुट कर दिए. ए की वैल्यू कितनी है बी ए का होल स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कितनी है डी ए का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा और माइनस डी स्क्वायर ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर से तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. अब देखो दोनों में से के स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है जब के स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पहले से तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो एल एच एस में सिर्फ आ गया के स्क्वायर हमारा. सिमिलरली हम आर एच एस को भी सॉल्व कर लेंगे यानी कि दायां पक्ष को इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए सी अपॉन बी डी ए की वैल्यू रख दिया बी की सी की वैल्यू रख दिया डी के अपॉन में बी टू डी. ये जो है बी एंड डी से कैंसिल हो जाएंगे फिर से बच गया के स्क्वायर तो बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों में के स्क्वायर आ गया और दोनों बराबर हो गए और इस तरह से ये सिद्ध हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अथवा में दिया हुआ है बोलो कि एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे क्यारी इस क्यारी का अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं. फल क्यारी में क्रमागत पंक्तियों की रखे गए गुलाबों की संख्या की से प्राप्त श्रेणी निम्न अनुसार होगी 23 21 19 लास्ट. यहाँ पर जो ए वन है यानी कि जो पहला पद है वो ए वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 23 है ए टू इज इक्वल टू 21 है ए थ्री इज इक्वल टू 19 है ए एन इज इक्वल टू 5 किया हुआ. तो ए टू माइनस ए वन करेंगे तो 21 माइनस ए इस करने पर माइनस टू मिल रहा है. ए टी माइनस ए थ्री माइनस ए टू करेंगे तो 19 माइनस 21 करने पर भी माइनस टू मिल रहा है. तो श्रेणी एक समांतर श्रेणी है हमें इस कॉमन डिफरेंस के बराबर होने से पता लगे कि एक समांतर श्रेणी है तो जिसमें डी की वैल्यू जो है माइनस टू आ रही है. श्रेणी का प्रत्येक पद पंक्ति की संख्या को दर्शाता है.
तो हम निकालते हैं ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का वैल्यू जो है ए एन का वैल्यू जो है फाइव दिया हुआ है क्योंकि श्रेणी का अंतिम पद पांच है और यहाँ पे ए की वैल्यू प्रथम पद 23 है तो ए की वैल्यू 23 रखती है, एन जो है उसकी वैल्यू एन ही रहेगी माइनस वन और डी की वैल्यू माइनस टू है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस टू के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 23 को इधर ले गए हैं तो 23 को इधर ले गए तो 5 माइनस 23 18 हो गया है, बी माइनस टू इधर मल्टीप्लाई में है उसको इधर डिवाइड में ला लिए हैं और ये एन माइनस वन ऐसे ही रह गए हैं, माइनस माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा, टू अंदर टू टू 18, तो 9 is equal to n minus 1, minus 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, 9 plus 1 is equal to 10, तो n is equal to 10 आंसर आ गया। इस तरह से वीडियो समाप्त होती है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।